नमस्कार। सो देखिए, ये वीडियो एक जर्नल वीडियो है, क्योंकि कई बार ना लोग मुझसे पूछ रहे हैं, स्पेशली जो हमारे अपकमिंग क्लाइंट्स हैं, कि सर आप ना वीडियोस कम डालते हो, मतलब आप बहुत अच्छे वीडियो डालते हो, आपका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आपका एनालिसिस परफेक्ट होता है, लेकिन आपके वीडियोस उतने नहीं होते जितने आपके कॉम्पिटिटर्स के होते हैं, तो आप उतना वीडियो क्यों नहीं डालते? और बहुत कम काउंसलर ये बात बहुत खुल के बोलेंगे। देखिए, वीडियो बना के डालना, वो सब करना, वो मेरा एक शौक है, या मैं मुंह पे कहता हूँ कि एक लार्जर ऑडियंस को हेल्प करना। लेकिन आप ये, मैं उन बाकी सब काउंसलर्स के बिहाफ से भी कह रहा हूँ, देखिए यूट्यूब के व्यूज से कोई इनकम नहीं है। अगर एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज भी होते हैं ना, 1 लाख व्यूज पे यूट्यूब 1,000 रुपये देता है, ये आप सब लोग नोट कर लीजिए। तो 1,000 रुपये कमाने के लिए तो कोई आदमी इतनी मेहनत करता नहीं है, और MBBS इंडिया के किसी भी वीडियो में इससे ऊपर व्यूज नहीं मिलते, जो सबसे सुपरहिट वीडियोज हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, कॉम्पिटिटर्स का नाम लेना अपने वीडियो में अच्छा नहीं लगता, बट जो अच्छे वीडियो बनाते हैं, 2-3 अच्छे जो लोग हैं जो रेगुलर वीडियोस बनाते हैं, वो भी कोई यूट्यूब से बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते। सो अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप में से कुछ लोग हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लें, और उसकी इनकम से हमारा घर चलते हैं, हमारे ऑफिस चलते हैं। अब आप देखिए कि एक स्टूडेंट का काम करने में समय लगता है। अब कुछ काउंसलर्स के पास शायद उन्होंने ये कर रखा है कि वो वीडियो बनाते हैं, बट जब एक क्लाइंट आ जाता है तो क्लाइंट से डीलिंग का काम उनके जूनियर स्टाफ मेंबर करते हैं। देखिए, मैंने भी बहुत बार जूनियर स्टाफ मेंबर रखने की कोशिश करी। जूनियर स्टाफ मेंबर सिर्फ क्या काम कर पाते हैं कि जैसे जब ऑल इंडिया कोटा की लिस्ट बनानी होती है, तो मैंने एक क्लाइंट के लिए लिस्ट बना दी, वो भी हर के अलग अलग बनानी पड़ती है। कोई क्लाइंट ये बोलता है सर मुझे अब ऐसा कॉलेज दिलाइए जिसमें कि बॉन्ड कम हो, कोई कहता है कि मेरे अंदर वो लीविंग बॉन्ड कम हो। लास्ट टाइम मेरे पास एक क्लाइंट था जिसको सरकारी कॉलेज पक्का मिल रहा था, पर वो चाहता था कि उसके बच्चे इस साल दोबारा बैठे, तो उसका बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर था कि सर सीट लीविंग बॉन्ड जो है वो कम से कम होना चाहिए, कि अगर हम 1 साल बाद सीट को छोड़ेंगे तो कोई इस तरह से मांगता है। कोई MBBS के बाद जो सर्विस बॉन्ड होता है वो कम होना चाहिए, कोई कहता है कि सीट लीविंग बॉन्ड कम होना चाहिए। फिर भी हमने एक बार एक बच्चे का एनालिसिस कर दिया, मैंने लिस्ट बना दी कि अभी इसको ये सूट करेंगे 1 से लेकर 300 कॉलेजेस, तो मेरा एक जूनियर स्टाफ है जो आपका लॉगिन खोल के वो 300 कॉलेज डाल देता है, और फिर मैं लास्ट में चेक कर लेता हूँ कि कुछ गलती ना हो गई हो। सो जूनियर स्टाफ है ना, वो इस तरह का काम कर पाता है। या यूपी में जहाँ पर कोई कहता है गवर्नमेंट प्राइवेट सारे भर दो, तो 75 कॉलेज भरने में भी समय लगता है। लेकिन आपसे बात करना, क्लाइंट से बात करना, स्ट्रेटजी बनाना, बच्चे के बारे में सोचना, कट ऑफ को देखते हुए कि बच्चे को कौन सी कट ऑफ सूट करेगी, कौन सा कॉलेज सूट करेगा, ये सारे काम ना काफ़ी दिमाग के, काफ़ी मेहनत के हैं, और काफ़ी IQ लेवल के हैं। जो मैं सच बताऊं, आई होप कि मेरा स्टाफ बुरा नहीं मानेगा, जो खुद भी वीडियो सुनेगा वो कर नहीं पाते हैं। तो मैंने 4 साल पहले ट्राई करा, 3 साल पहले ट्राई करा, उनसे बहुत गलतियाँ हो रही थी और क्लाइंट्स नाराज हो रहे थे। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं भाई, जो भी ये जो काम है ना MBBS इंडिया का, ये प्रैक्टिकली मैं अपने हाथों से ही करूँगा, और बाकी जो मैं काउंसलिंग करता हूँ, स्टडी अब्रॉड की और काफ़ी सारे काम करता हूँ मैं, उसमें वो स्टाफ मेरी हेल्प करता है जब हम बच्चे को कैनेडा वगैरह भेजते हैं, या हमारे MBBS अब्रॉड का जो काम है। लेकिन MBBS इंडिया, GK वर्स MBBS इंडिया भी करता है, अब्रॉड भी करता है, नॉन MBBS अब्रॉड भी हम करते हैं, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, US, UK भेजना, उन सब में स्टाफ काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन MBBS इंडिया में वो काफ़ी स्पेसिफिक काम कर पाते हैं, बेसिकली आपके लिए फॉर्म भरना और फॉर्म में ऑप्शंस को डालने का, वो भी मेरी इंस्ट्रक्शंस के बाद। लेकिन क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना, किसी को श्योरिटी बॉन्ड कम चाहिए, किसी को सर्विस बॉन्ड कम चाहिए, किसी को ये पर्टिकुलर रीजन नहीं चाहिए, किसी को चाहिए, वो सब मुझे खुद करना होता है। और ऑनेस्टली यू नो, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी ब्राइट पर्सन, लेकिन मैं भी 1 साल में 50 के ऊपर क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाता, स्पेशली मेरे पास 50 के 50 वो 75,000 वाले पैकेज वाले आ जाएं जिनको लिए बहुत काम करना है। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि किसी को गवर्नमेंट सीट पक्की मिल रही है तो हम सिर्फ 25,000 की फीस लेते हैं, 75,000 से 1 लाख रुपये उसको लेते हैं, वही 225 नंबर, 250 नंबर वाला, जिसके लिए हमें 7-8 जगह फॉर्म भरना पड़ता है। अब उस सबको भरना, ये देखना कि कट ऑफ कैसे चल रही हैं, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, ताकि आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट खराब ना हो, मतलब मेरे जैसा इंसान भी मैं 50 क्लाइंट से ज़्यादा सोच नहीं पाता एट ए टाइम, क्योंकि सारा काम तो हमें 2 महीने में करना है, और 2 महीने भी क्यों, 4-4 दिन में करना है। सो अगर मैं हर रोज अपने क्लाइंट के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं 50 क्लाइंट से ज़्यादा खुद ही सोचिए कैसे ले सकता हूँ। अगर मुझे हर क्लाइंट से रोज 10 मिनट भी बात करनी है, तो 50 क्लाइंट इंटू 10, 500 मिनट,
500 मिनट डिवाइड बाय 60 मिनट इस 8 घंटे, तो बोलिए कभी बार मुझे क्लाइंट को भी कहना पड़ता है जी कल आपसे बात की थी अब मैं परसों ही आपसे बात कर पाऊंगा, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन से काउंसलर होते हैं जो 500-500 क्लाइंट ले लेते हैं और उनको उनका काम भी कर पाते हैं। वो बेसिकली होता है कि एक बार आप फीस दे देते हो तो उसके बाद आपसे कोई बातचीत नहीं होती, आपको नोटिफिकेशन जरूर बढ़िया से आ जाता है टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से और फिर आप अपना काम खुद ही कर लो। लेकिन जिस काउंसलिंग सर्विस के आपने पैसे दे दिए, ट्रस्ट मी, वो काउंसलिंग सर्विस हम जैसा काउंसलर ही दे सकता है। वो मैं हूँ और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मैं अनोखा हूँ, मेरी तरह 50 और हैं, लेकिन उस 50 के बाद जो स्टाफ मेंबर होते हैं ना, और जो स्टाफ मेंबर इतना स्मार्ट बन जाता है कि वो हम 50 की तरह काउंसलिंग कर पाए, वो खुद काउंसलर बन जाता है, फिर वो स्टाफ में नहीं रहता, ये भी मैं बता दूँ। क्योंकि जो स्टाफ मेंबर इतना स्मार्ट बन जाता है कि ही कैन और शी कैन हैंडल द क्लाइंट्स और वो आपको अच्छा ऑप्शन दे के ऑप्टिमल सीट दिला सके, वो अपना ऑफिस खोल लेता है। वो कहता है भाई मैं 20-25-40 हज़ार रुपये लिए किसी की जॉब क्यों करूं? तो ये समस्या है इस इंडस्ट्री में कह लीजिए, इस चीज़ में कह लीजिए। तो चूंकि मैं सिर्फ 50 क्लाइंट से बात कर पाता हूं, जैसे सीजन शुरू होता है सबसे बात भी मुझे करनी है, सब प्लस स्ट्रेटजी भी मुझे बनानी है, तो फिर वीडियोज़ बनाने का टाइम मुझे नहीं मिल पाता। मेरे जो 50 क्लाइंट होते हैं वो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में होते हैं, उनको मैं रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं उनके काम की, लेकिन जनता को मैं नहीं बता पाता क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता आके फ़ोन के आगे बैठने का। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो भी हमारे पेड क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्विस देना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और वो मैं अपने हाथों से देता हूँ। जूनियर स्टाफ से जब वो सिर्फ मैं तो स्पेसिफिक आपको बता दिया, ऑल इंडिया कोटा में चूंकि वो 300 ऑप्शन भरनी होती हैं, उसको भरने में बिल्कुल 1 घंटा लगता है भरने में। एक बार आपने डिसाइड भी कर लिया ना एक्सेल में कि ऐसे भरना है, उसके बाद भी 1 घंटा लगता है, उसमें वो हेल्प करते हैं, यूपी में हेल्प करते हैं, तमिलनाडु में हेल्प करते हैं, जहाँ पर भी कॉलेजेस ज़्यादा हैं बेसिक फॉर्म भरने में हेल्प कर देते हैं, बट वो बेसिक हेल्प है। लेकिन का जिसे बोलते हैं हैवी लिफ्टिंग मुझे ही करनी पड़ती है और वो हैवी लिफ्टिंग आराम से नहीं हो पाती है और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता। कुछ क्लाइंट लेता हूँ इसलिए पूरी फीस लेता हूँ क्योंकि मैं अपना समय आपके लिए देता हूँ। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और मुझे क्षमा कीजिए अगर मैं उतने वीडियोज़ नहीं बना पा रहा या बनाता जितने बाकी लोग बनाते हैं, पर जो भी बनाता हूँ अच्छा बनाता हूँ, आपके मतलब का, आपकी हेल्प का बनाता हूँ ताकि आपको वाकई मदद मिले जो मेरे पेड क्लाइंट्स नहीं बन पाए या 50 के बाद जब फ़ोन करते हैं तो मैं उन्हें ले भी नहीं पाता अपने पास। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैंने कोशिश करी ज़्यादा क्लाइंट लेके 3 साल पहले टीम मेंबर को रखा, सीनियर टीम मेंबर रखा, लेकिन नहीं आया मज़ा। मतलब क्लाइंट जो खास मुझसे एक बार बात कर चुका होता है वो कहता है सर आपके बंदे से बात कर रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो तो बस कह देता है जो आप कहें मैं भर देता हूँ, जो आप कहें मैं भर देता हूँ। लेकिन हमने आपको जो फीस दी है वो आपका दिमाग, आपकी डिसीशन, आपकी थॉट प्रोसेस को भी डिस्कस करने के लिए दी है। तो फिर मैं भी तो ह्यूमन हूँ ना, मेरे को भगवान ने 24 घंटे दिए हैं तो मैं कैसे 200 लोगों के साथ बात कर सकता हूँ रोज़, आप खुद ही सोचिए। और कोई भी काउंसलर कैसे कर सकता है? तो जो भी काउंसलर कम फीस करके 200-200 क्लाइंट ले रहे हैं वो सिर्फ आपको नोटिफिकेशन देते हैं और वो नोटिफिकेशन तो आपको careerguide.com शायद 2000 रुपये में दे देती है, तो फिर आप 25000 रुपये क्यों खर्च करते हैं? ठीक है, तो ये सब बातें हैं। मेरे साथ तब जुड़िए जब आपको मेरी थॉट, मेरा दिमाग भी चाहिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए, अपने बच्चे की ऑप्टिमल सीट लेने के लिए, अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बचाने के लिए, क्योंकि मैं आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को अपना पैसा समझता हूँ और मेरी जीत इसी में होती है कि आपके कम से कम खराब हो या एक भी पैसा खराब ना हो तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये आप किसी मेरे पुराने क्लाइंट से बात करेंगे वो यही बोलेंगे कि हमसे अरे गुप्ता जी को चिंता रहती है कि मुझे बेस्ट सीट मिले, मेरे पैसे ना खराब हो, कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट ना खराब हो, अगर मुझे जॉली ग्रांड मिल सकता था और मैंने यू नो MMA मुलाना पे भी समझौता कर लिया तो हमसे ज़्यादा विवेक जी को दुख होता है। और वो कहते हैं नहीं सर सब्र कीजिए आपको मैं बेस्ट कॉलेज दिलाऊंगा नॉर्थ इंडिया का। तो ये सब बातें हैं, इसी के लिए लोग इज्जत करते हैं, इसी के लिए लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट डालते हैं यूट्यूब वीडियोज़ पे। सो अपना प्यार बना के रखिएगा, सीजन स्टार्ट हो रहा है, कल परसों में रिजल्ट फाइनली आ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 50 मेरी अपर लिमिट रहती है, 40 ही रहती है अगर सारे 75,000 वाले आ जाए, लेकिन कुछ 25,000 वाले हैं उनके लिए समय कम लगाना है तो फिर मैं 8-10 और ले लेता हूँ। पर्पज़ मेरा वही है कि मैक्सिमम एक यू नो 30 लाख का काम कर लूँ मैं इन 2 महीनों में, स्टाफ के खर्चे निकाल के कुछ पैसे बच जाए, क्योंकि इस चीज़ को सीखने में बहुत समय जाता है। अगले 2 महीने हम 16-16 घंटे काम करते हैं तो भी मुश्किल से काम ख़त्म कर पाते हैं लोगों के, किसी फैमिली फंक्शन में कहीं आना जाना नहीं होता। तो इन्हीं सब चीज़ों की आप भी रिस्पेक्ट कीजिए और इसीलिए वीडियोस कम बनाता हूँ मैं। अगले 2 महीने जो भी बनाऊँगा ढंग का बनाऊँगा, अच्छे वाला बनाऊँगा। और अपने क्लाइंट्स को तो खैर मैं ब्रॉडकास्ट में बता देता हूँ मोटा मोटी या
एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन प्रॉपर बैठ के वीडियो बनाना उतना आसान नहीं हो पाता, इसलिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। ये वीडियो भी पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको मिल जाएंगे। और हमारी पेड सर्विसेज अभी भी लेना चाहते हैं, कुछ सीटें बची हुई हैं, तो 9603362320 पे कॉल कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय।